आपको पोचा ब्लेंडर के अंदर मतलब कैसे तगड़ी वाली क्लियर सेटिंग्स कर सकते हो जिससे आपका पिक्सल बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा, करेगा भी तो भी लैग बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और आपके FPS पोचा में भी बहुत ज्यादा सही आने वाला है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चले जाना है यहाँ पे, आपको राइट अपर कॉर्नर पर दिख रहा होगा थ्री लाइंस का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये सारी सेटिंग्स दिख रही हैं, इनमें से आपको सबसे पहले आ जाना है वीडियो रेंडर पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये सब ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको सबसे पहले आ जाना है रेंडर पे। अब इनमें से आपको आप जो भी मतलब वर्जन सेलेक्ट हो, तो वैसे फिर फिल्म के आप लिए आप लोअर वर्जन जितना ज़्यादा सेलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा 1.8 से 1.12 के बीच में ही रखना वर्जन को, तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर यहाँ पे आप होली ग्लास सेलेक्ट कर सकते हो, ये बेस्ट हो गए और मैं भी इसी को यूज़ करता हूँ। दूसरी बात है इग्नोर नॉइज, ये आप कर सकते हो, इससे कोई भी लैग वगैरह पे दबाव नहीं पड़ने वाला है। और तीसरी चीज़ है रेजोल्यूशन स्कैनर, अब आपको इसको ध्यान से देखना। अब आप इसको 50:60 या फिर 50:70 के 70 मैक्सिमम है और 50 लोवेस्ट है, मतलब मिनिमम आप इनको ही सेलेक्ट करना इनमें से बीच में किसी को, तो आपके लिए सही रहेगा। मैं तो 60 यूज करता हूँ जो कि सही है, एकदम तगड़ा है मतलब। और इसके नीचे आपको दो ऑप्शन और दिख रहे हो, इनको इनेबल कभी मत करना, ये आपके लैग को रिड्यूस नहीं करते, ये लैग को शुरुआत में रिड्यूस करेंगे लेकिन आपको ये मोबाइल हीट करने लगते हैं, और हीट करने के बाद आपको पता है लैग वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनको यूज़ मत ही करना, ये मोबाइल पर बहुत ज़्यादा फोर्स डालते हैं। उसके बाद है कंट्रोल वगैरह, तो इन पर आपका मतलब आप हिसाब से कर सकते हो, आप जो भी कंट्रोल चाहते हो, इससे आपका लैग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आ जाते हैं जावर ट्विक्स, इसके अंदर खाली एक ही ऑप्शन है मेमोरी एलोकेशन का, जो कि मैं आपको नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि मेरे मोबाइल का मतलब मेमोरी एलोकेशन थोड़ा अलग है नॉर्मल मोबाइल से। तो इसको आप अपने मतलब जितने भी मतलब जैसे फ्री स्पेस है उसका आधा ही रखना तो आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद आते हैं अब ये कि इसका नाम भी मुझे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर आपको आ जाना है फोर्थ सेटिंग का अंदर। उसके बाद आपको दो ऑप्शन देखेंगे, चेक लाइब्रेरीज आफ्टर डाउनलोडिंग, और दूसरा है कॉस्मेटिक कैप्स। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑन इज ऑफ, लेकिन सेकेंड ऑप्शन आपको ऑफ रखना है, इससे आपका लैग रिड्यूस होने वाला है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, तो मेन पॉइंट है गाइज अपना मतलब ये सब मेन ही पॉइंट है, लेकिन गाइज मैंने इनको डिवाइड कर रखा है। अब आपको आ जाता है वर्जन पे या फिर कोई भी क्लाइंट वगैरह आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो और कौन सा बेहतर रहता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं गाइज, अगर आप FPSL खेलना चाहते हो और वो भी बहुत FPS पे ढंग के, तो गाइज आप दो क्लाइंट को यूज़ कर सकते हो। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है तो दो क्लाइंट बेस्ट है। सबसे पहले लूनर क्लाइंट, जो कि आपको भी पता है अगर आपने यूज़ किया तो वो बहुत सही FPS दे देते हैं, लेकिन उससे भी तगड़ा क्लाइंट है जो कि मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से, वो है CM क्लाइंट। इसमें आपको फीचर्स भी बहुत तगड़े मिल जाते हैं, उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा लैग को रिड्यूस कर लेता है और ये बहुत ज़्यादा हाई FPS भी देता है। उसके बाद क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसी के बाजू में एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक कस्टम पाथ दिख रहा होगा, इसको आपको यहाँ पे डॉट माइनक्राफ्ट सेलेक्टेड होगा, लेकिन आपको डॉट माइनक्राफ्ट के फोल्डर के अंदर जाकर वर्जन के अंदर जाकर TM पैक के जो इसका इस वर्जन का मेन फोल्डर है उसको ही सिलेक्ट करना है, जिससे आपका लैग बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे मतलब आपका एक पर्टिकुलर फोल्डर ही रेंडर होता रहेगा, ज़्यादा फोल्डर स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो ज़्यादा लैग भी नहीं होगा। और बाकी आपको इनके अंदर जो है जावा रन टाइम उसको इंटरनल यही रखना है 1.8 वाला, और रेंडर तो आपको होली ही रखना, बाकी यहाँ से सिलेक्ट करो नहीं करो बात है, क्योंकि आपने बाहर से सिलेक्ट कर रखा है यहाँ से। तो आ जाते हैं गेम के अंदर के सेटिंग्स के अंदर, और मैं आपको मतलब गेम के अंदर के सेटिंग्स के अंदर CM क्लाइंट की सेटिंग्स बताने वाला हूँ। वैसे तो CM क्लाइंट ऑप्टिफाइन वगैरह सब सेटिंग्स एक ही हैं, बाकी अगर आपको क्लाइंट की सेटिंग्स देखनी है तो वो अलग होती हैं, जो कि मैं नहीं बताने वाला हूँ, वो आप खुद के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी जो मेन सेटिंग्स है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक्स को आपको फास्ट रखना है, स्मूथ लाइटिंग ऑफ रखनी है, मतलब आपको ये जो भी दिख रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ये मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, GUI को ऑफ कर देता हूँ जिससे आपका स्क्रीनशॉट भी क्लियर हो। उसके बाद आपको इन सबका स्क्रीनशॉट लेके इन सभी सेटिंग्स को अप्लाई कर लेना है अपने पोचा ब्लेंडर के अंदर, जो भी आप वर्जन वगैरह यूज़ करते हो। उसके बाद आपको ये सब ऑफ करने के बाद शेडर्स यूज़ नहीं करना है आपको, और शेडर्स में भी आपको इस ऑफ वाले को ही यूज़ करना है। बाकी मैंने ये लगा रखे हैं लेकिन मैं इनको यूज़ नहीं करता हूँ, बाकी ऑफ वाले को ही यूज़ करना है, ऑफ रखे हैं। फिर आपको डिटेल्स में आ जाना है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहने वाली है क्योंकि इससे भी आपका लैग रिड्यूस होने वाला है, मतलब जो भी सेटिंग्स में आपको बताने वाला हूँ उनसे आपका लैग रिड्यूस होने ही वाला है। और उसके बाद आप खुद कंपेयर कर सकते हो कितना ज़्यादा लैग रिड्यूस हुआ।
तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब भी अच्छे कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो अभी तक एंड तक वीडियो को देख रहे हैं उनको ये मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक गिव अवे अनाउंस किया है। अब वो गिव अवे क्या है वो तो मैंने अभी तक नहीं सोचा, लेकिन थोड़ा तगड़े गिव अवे रखने के। और वो गिव अवे होगा जब आप मेरे 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दोगे। तो जल्दी से जल्दी जाओ और 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, मैं उस गिव अवे को जल्दी से अनाउंस कर दूंगा और उस गिव अवे को रख दूंगा। और वो गिव अवे होने वाला है मेनली फेव किस्म के ऊपर, और आपको तो पता ही है मैं कॉइंस का ही गिव अवे करता हूँ, मेनली आइटम्स वगैरह का गिव अवे मैं नहीं करता। तो इस बार भी कॉइंस का ही गिव अवे रखने वाले, लेकिन थोड़े ज्यादा। और गाइज आपको अगर फेक मतलब अगर गाइज आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना तो आपको मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती है। तो आपको मेरे चैनल का अबाउट में जाना और वहाँ पे कनेक्शंस पे आपको डिस्कॉर्ड सर्वर मिल जाएगा मेरा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बाय बाय।